गोपियों के पथ पर विवेक कुमार मिश्र। यह संग्रह वेरा प्रकाशन से अभी हाल ही में आया है। चुप्पियों के पथ पर कविता संग्रह है, जहां जीवन संदर्भों को समझने की कोशिश मौन में की गई है। कैसे चुप्पियां बड़ी चीख बन जाती हैं, यह भी यहां सुना और देखा जा सकता है। एक कवि के यहां कब कौन से शब्द आ रहे हैं, और यदि शब्द नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, यह सब विचारणी होता है। जब कवि चुप्पियों के पथ पर चलता है तो उसके कहे शब्द चीख चीख कर वह सब कह देते हैं जो कवि कह नहीं पाता, या कविता की दुनिया में उस तरह से सीधे सीधे शब्दों की यात्रा नहीं होती। तो कवि संसार में शब्द चुपचाप इतना कुछ कहते हैं कि पूरा का पूरा इतिहास और जीवन ही प्रकट हो जाता है। चुप्पियों के पथ पर मनुष्य की वह जीवन यात्रा है जो अपने दैनिक जीवन के साथ संसार से संवाद करते बनती है। जरूरी नहीं कि यह संवाद सभी को दिखे ही, पर न दिखते हुए भी संवाद मुखर है, इसलिए कवि चुप्पियों को संभाल कर रखता है जो कवि के लिए, जीवन के लिए और लोकतंत्र के लिए जरूरी है। सीधे एक कविता देखते हैं इस संग्रह की। पहली कविता है, संसार की तरह ही देखें। संसार बिना किसी के घोषित किए अपने को घोषित करता रहता है। यह आप पर है कि संसार को कैसे देखते हैं और कितना संसार संसार की तरह देख पाते हैं। संसार अपने को संसार के रंगों में ही रंग कर आता है। आप कहीं भी चले जाएं, संसार आपको छोड़कर नहीं जाता। आप संसार को अपने साथ लिए चलते हैं। जो कुछ भी व्यक्त है वह संसार ही तो है, और आदमी है कि कितना कुछ व्यक्त करता चला जाता है। उसका बस चले तो कुछ भी व्यक्त होने से रह नहीं पाता, पर उसका क्या, उसकी सीमाएं हैं। वह बिना कुछ कहे संसार को अपने ढंग से देखना चाहता है, और यह भी तय है कि संसार उतना ही दिखता है जितना की पात्रता होती है। संसार को संसार की तरह ही देखें। एक और कविता, पृथ्वी का विस्तार। आंख खुली और तुम आ जाते हो अनगिनत यात्राओं से, तुम्हारे होने में घूम जाती है पृथ्वी, अपने ही अक्ष पर रचती है विस्तार का जादू, अनंत रंगों का रहस्य और होने का अर्थ। क्या से क्या नहीं हो जाता एक जादुई अस्तित्व के कोण पर, भला इससे तुमसे ज्यादा कौन जानता। बिना कुछ कहे रस्ते ही रहते हो अनंत के पथ पर। संसार की कथाएं और संसार का रंग कुछ भी न हो तो भी संसारियत रच देती है अनगिनत रंगों का जादू, एक ही वृत्त पर अनंत वृत्तों का जादू। यह संसार इसी तरह पड़ा रह जाता यदि तुम इस पर रंगों का जादू नहीं घुमाते, या समय समय पर कूची नहीं फेरते अनंत अनंत कोणों पर। पृथ्वी का विस्तार तुम्हारे साथ ही तुम हो, और पृथ्वी अपने जादुई रहस्य में खिली है अर्थ के अनंत रंग रूप के साथ। तुम हो तो अस्तित्व है, और यह सारा रंग रूप और भी बहुत कुछ तुम्हारे होने से होता है। तुम हो इसलिए आंख खुली, आंख खुलते ही तुम इस तरह आ जाते हो कि और कुछ हो ही नहीं।
इस संग्रह की शीर्षक कविता को देखें, चुप्पियों के पथ पर वह चुप ही रहता है, चुप रहते एक समय के बाद चुपचाप चला जाता है, जो चुपचाप चला जाता है वह चुप नहीं जाता, उसके साथ चुप्पियां टूट जाती हैं, न जाने कितनी कथा शुरू हो जाती, एक विमर्श भरा समय शुरू हो जाता। कहते हैं कि आदमी कुछ नहीं कहता, सब कुछ एक समय के बाद समय कहता है, समय चुप्पियों के साथ रहने नहीं देता, एक एक कर इतिहास से लेकर वर्तमान के हवाले से घटनाओं की तिजोरी खोलते हुए चुप्पियों के पथ पर शोर मचाए वह आ जाता है। इस तरह यह सत्य स्थापित हो जाता है कि वह चुप नहीं था, बस चुपचाप चला गया, और चला जाना किसी भी समय में चुप नहीं होता, न ही चले जाने को चुप्पियों का यादगार कोई बनाता। यहीं से चुप्पियों के रास्ते पर कदम रखते हुए अस्तित्व का, सभ्यता का और संस्कृति का पथ तैयार होता दिख जाता, बल्कि समय की सबसे बड़ी खोज रच दी जाती है, कुछ भी चुप नहीं था, चुप्पियां भी चीखते हुए आती हैं। और इसी रास्ते हम सब होने को समझ पाते हैं, यहीं से जिंदगी नाचते गाते चुप्पियों के बीच शोरगुल और जीवन को नए सिरे से लिख जाती है। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते कभी चुप नहीं रहना, हाँ चुप्पियां इसी तरह आती हैं बोलने के क्रम में।